मैं प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन और फॉर्मर डीजीपी बोल रहा हूँ। जी सर। आपने एक पत्रकारों के ग्रुप में मुझे जोड़ा है और मेरा उस इस नंबर को एडमिन बनाया नहीं है, तो उस ग्रुप में रहने से क्या फायदा है? यहाँ पे यदि हम इस देश को बदलने की बात भी ना लेके कह पाए तो क्या फायदा है? सर एडमिन चूंकि मैं तो नहीं हूँ, अब अगर हमको कोई बनाया तो हम ध्यान आप दे भी एडमिन है उसमें? तो सर मैं देखा नहीं हूँ, मैं नहीं बनाया हूँ ग्रुप, ग्रुप कोई दूसरा ही बनाया सर। तो आप उसमें जो है ना इस नंबर को जोड़ दीजिए, राइट? अच्छा, जिससे जो है आप, अच्छे आपसे और बात भी करना है। पूरा नाम क्या लिखते हैं? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर। और सरनेम क्या है आपका? कन्नौजिया। कन्नौजिया। तो श्याम सुंदर कन्नौजिया जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं दोरिया से रहने वाला हूँ। ये क्या मैहर के पास में है? नहीं सर, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर मंडल माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, माननीय जी योगी। चलिए चलिए चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए, माननीय योगी जी के हाथ मजबूत करना है कि नहीं करना है? हमको तो भाई माजी सोशल वर्क अगर हम लोग करते हैं तो भाई हमको सत्ता के साथ ही काम करना होगा। हाँ नहीं, सत्ता के साथ साथ योगी जी एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छा देश चाहते हैं, दबते नहीं हैं, सब हित की बात करते हैं, निष्पक्ष और निर्भीक ढंग से बात करते हैं, तो उसमें वो सत्ता वाली बात नहीं है। नहीं बात सत्ता पर देखिए, कारण ये है सर कि अगर सोशल वर्कर है तो काम तो करना ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि अभी अपोजिट में, अगर अपोजिट में काम तो कर नहीं पाएंगे सर, आप हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, अगर सर का तो मैं उल्टी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए? एकदम सही सर, ये क्यों नहीं चाहिए? नहीं नहीं, आप ये क्यों नहीं नहीं, आप कहो कि हाँ मुझे, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ मुझे अच्छा भारत चाहिए, इसको इस तरीके से इस तरीके से कहिए कि शपथ पूर्वक मुझे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए, राइट? अब यदि ये भारत में, यदि मैं आपको ये भारत बहुत ही आसान तरीके से दे दूं, जिसमें ना तो आपको किसी को धन देना है, ना चंदा देना है, ना ही कोई जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना ही कलेक्टर एसपी मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, और आपको अपनी सोच भी नहीं बदलना है, क्रियाकलाप भी नहीं बदलना है, जो कुछ कर रहे हो अभी वही करते रहिए, और यदि आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाए, अच्छा भारत मिल जाए, जहां आपको अपनी प्रॉब्लम आने पर बटन दबाओगे तो एक वॉलंटियर मोबाइल लेके आपके घर पहुंच जाएगा और आपकी FIR दर्ज हो जाएगी। जी जी जी। जहां पर आप झूठी ना तो रिपोर्ट कर पाएंगे, ना गवाही दे पाएंगे, ना पुलिस वाला झूठी विवेचना कर पाएगा, ना वकील झूठी वकालत कर पाएगा, क्योंकि ये पजरी का बहुत ही गंभीर अपराध होगा, ऐसा करने पर वो जेल में सड़ जाएगा। जी 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 जी। और आपको जो है 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ पुलिस जो है वो चालान पेश कर पाएगी, और अभी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते जो है ना वर्षों वर्ष प्रताड़ित होते रहते हैं, इस नई व्यवस्था में अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से यदि आपको न्याय मिल जाए तो आप प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, प्रसन्न होंगे। यदि भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाए, कितना? 20 गुना ज्यादा, लेकिन शर्त है कि उन्हें अपने देशवासियों से टैक्स नहीं लेना होगा, तो आपको टैक्स मुक्त भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? भाई चाहिए चाहिए, क्यों नहीं, मिल भी जाएगा। आप ये बताइए, यदि आपके 2 अकाउंट कर दिए जाएं, एक अकाउंट जिसमें आप अर्न कर रहे हैं और एक दूसरा अकाउंट जो खड़ा हुआ है कि जब कभी आपको धन की आवश्यकता हो तो आपको किसी साहूकार या बैंक के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपके इस कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से आपको अपने आप धन मिल जाएगा, ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर, सब कुछ चाहिए सर। तो इसके लिए हमने एक सत्यनारायण की कथा ईजाद की है, आप उसका वीडियो पूरा ध्यान से सुनिए और फिर आगे की चर्चा के लिए आप मुझे फोन लगाएंगे तो वो कैसे फलीभूत होगा और कैसे आपको कुछ नहीं करना होगा और ये राजनेता बदल जाएंगे और यही जो है
इस चीजों को जमीन पे उतारने के लिए बेबस होंगे, और यदि ये नहीं मानेंगे तो सत्यनारायण कथा के दो अध्याय जो है वो राजनेताओं के लिए हैं। वो कह रहे हैं, हे दुष्ट राजनेता, यदि तुम इस बात को नहीं मानोगे तो मेरे श्राप से तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा अद्भुत भारत चाहिए? सही। देखिए, कहने का मतलब यह, वो जो श्राप वाली बात है, हम उन सब चीजों में नहीं रखते विश्वास। श्राप से ये हो जाएगा, आप विश्वास करो चाहे ना करो, श्राप लगेगा तो नष्ट हो जाएगा व्यक्ति। वो श्राप राप का कोई मतलब नहीं होता है सर। वो आपको लगता है, यदि आप नहीं करेंगे तो आप जो है आज की ही दुष्ट व्यवस्था में जीने के लिए मजबूर होंगे, जहां आपकी सुनवाई नहीं होगी, दुष्ट लोग जो है आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम करा देंगे। सर बता रहे हैं, सदियों से ऐसा रहा है कि कमजोर लोगों पर मुकदमे दायर कर जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो सबल लोग कभी भी पर्याप्त रहते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो। करेक्ट। तो हम ये कह रहे हैं, सरकार और कर भूल दीजिए, सत्यनारायण कथा के प्रभाव में आपको सतयुगी अच्छा भारत चाहिए। ये बात एक IPS ऑफिसर कह रहा है, फॉर्मर DGP कह रहा है, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत कह रहा है। चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए। तो फिर जो है इस पे सत्यनारायण कथा में चार जो है बहुत सरल उपाय दिए गए हैं, और उसको आप देखिए, हमारे हर उसमें हम उसको परोस रहे हैं, उसको आप सुनिए ध्यान से, और यदि उसमें कोई बात समझ में नहीं आती है तो मुझे दोबारा फोन लगाइए। जरूर जरूर सर। और उसको सभी लोगों से शेयर करिए। उसमें यही है कि 10 लोगों को जोड़ना है और हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। फिर ये राजनेता हमारी बात सुनने के लिए बेबस होंगे, बिना उसके तो कुछ करेंगे नहीं ये लोग। जी सर, वो तो है। ये राजनेता जो आपको अच्छे राजनेता नहीं देते हैं, जाति धर्म संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के तहत। अब योगी जी को छोड़िए, अभी तो जनरल राजनीति की बात करिए कि किसको टिकट देते हैं। इवन बेचारे योगी जी किसको टिकट देते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर दुष्टों को, बदमाशों को, अपराधियों को टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं? इवन मोदी जी को भी, इनको योगी जी को भी देना पड़ रहा है। देना पड़ रहा है? नहीं, देना ही पड़ रहा है। तो फिर हम ये कह रहे हैं कि राजनेताओं को भी बदलना होगा, नहीं तो उनका सर्वनाश पक्का है। सर्वनाश पक्का है। और ये कहने वाला कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो स्वयं जो है एक IPS ऑफिसर है, 7 साल मध्य प्रदेश में DGP के पद पे रहे हैं, DG रेलवे रहे हैं, DG होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिसास्टर मैनेजमेंट, SDRF एंड DG पुलिस रिफॉर्म रहे हैं। बहुत अच्छा सर। तो श्याम सुंदर जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। मुझे भी श्याम सुंदर जी आपसे बात करके अच्छा लगा। जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हैं उनके एडमिन से बात करिए और इस नंबर को उस पर जोड़ दीजिए। ठीक है सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।